वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन यूनाइट, वो भी मिराई डॉन के साथ में। मिराई डॉन अभी लेटेस्ट में रिलीज हुआ है और उसका एक फ्री इवेंट भी चल रहा है। मेरे को वो मिला नहीं है, पर मैं सीधे वाले मोड में खेल रहा हूँ, आप लोग भी खेल सकते हो। और ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले होने वाला है मिराई डॉन के साथ में। तो इसमें मैं बताऊँगा कि मिराई डॉन एक अच्छा पोकेमॉन है या वो एक नंबर का यूजलेस है। मैं सारी बातें बताऊँगा कि क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। तो अभी हम लोग जंगल कर रहे हैं और जंगल में मैं अपना लास्ट फार्म लेके बॉटम के उधर रोटेशन दे देता हूँ, उसका एक अटैक ले लेता हूँ चार्ज भीम करके, क्योंकि मेरे को गेम में इसके बारे में पता था इसलिए मैंने वही लिया। फिर उसके बाद मैंने क्लसल के छोटे वाले रूप को मारने की कोशिश की। अटैक मेरे को शुरुआत में समझ नहीं रहा था ये था क्या, और मैंने किसी का भी कोई वीडियो नहीं देखा था कौन सा अटैक अच्छा हो सकता है। इसलिए फिर जब मैं गोल करने लगा तो ये बीच में आ गया एप्सॉल, तो वो एप्सॉल को मैं मारने के लिए गया, पर मेरे को इसका अटैक समझ नहीं रहा था। इसके अटैक के लिए हमें ये जगह पे ही एम करना पड़ता है। वही इसकी एक बेकार बात है कि उससे हम लोग किसी पीछे के बंदे को मार नहीं सकते, कोई पीछे से आके हमें मार देगा। और इधर वो इतने कम एचपी बचता है, पर इधर दो दो पकवान आ जाते हैं, उन दोनों का मैं किल चोरी भी कर लेता हूँ और मेरी दो की स्टिक इजीली हो जाती है। और ये सारे बॉट मैं आपको बता दूँ, जब मैं अपना लेवल अप कर रहा होता हूँ, फिर उसका अपना लेवल अप करते करते इसका अटैक में थोड़ा चलाना सीख गया था। इसका दूसरा थंडर अटैक भी मेरा ओपन हो चुका था, इसके साथ एक और अटैक था पर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मेरे को उस अटैक के बारे में मालूम नहीं था। तो इधर ये दोनों अटैक का कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं पता कि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा, मैंने ऐसे ही ले लिया। और इधर मैं गोल कर रहा था तो इधर मेरी टीम भी अच्छा कर रही थी, भले ये बॉट थे पर तो भी अच्छा खेल रहे थे। और इधर रेजिला की भी आ गया था तो इधर मैंने गोल करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद ये माचैम पता नहीं कहाँ से आ गया। और मैं अपना बिल्ड आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मेरा बिल्ड है, आप कोई दूसरा बिल्ड भी लगा सकते हो। तो इधर मैं स्टील करने का कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि इससे हम लोग को स्टीलिंग भी कर सकते हैं या नहीं। तो इधर मेरी दो की स्टिक वापस से हो जाती है, इधर मेरी थ्री की स्टिक भी हो जाती है, और इधर मेरा इजीली स्टील भी हो जाता है, तो सब स्टील भी कर सकते हो। इधर मैं फोर की स्टिक निकालने का कोशिश करता हूँ पर वो पता नहीं फोर की स्टिक ये काउंट ही नहीं होता। और इधर मेरा पांचवा पकवान भी आ जाता है और इसको मैं मार के दो के स्टिक कर लेता हूँ, यानी कि मेरा पांच के स्टिक हो चुका है। फिर इधर एप्सॉल आ चुका था, एप्सॉल को हम लोग मार पाते या नहीं वो तो नहीं पता, पर इसका एच भी कम हो गया था। और मैंने इसका यूनाइट चलाने का कोशिश किया, इसका यूनाइट पता नहीं कैंसिल कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैं इस करलिया को मारने का कोशिश कर, दो के स्टिक हो गया। इधर माचैम भी बीच में आ रहा था तो मेरे को लगा मैं तो मर जाऊँगा, पर मैंने वापस से यूनाइट चलाया, वो वापस से कैंसिल हो गया और थ्री के स्टिक हो गया था। पर इधर करलिया वापस आ गई, फिर उसके बाद माचैम भी वापस आ गया, फिर वापस इधर यूनाइट कैंसिल हुआ। तीन बार कैसे यूनाइट कैंसिल हुआ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इसका यूनाइट। तो फिर उसके बाद माचैम को मैं मारने वाला था, उसकी बहुत कम एच पी हो चुकी थी और इधर वो एच के भाग गया। फिर उसके बाद मैं इधर थोड़ा फार्म करने का मैंने कोशिश किया, तो इधर ये एप्सॉल वापस आ गया था, तो एप्सॉल को मैंने इजीली मार दिया। और इधर मैं वापस फार्म करने लगा तो इधर वापस से बंदे लोग आ गए, वापस से ये एप्सॉल आ गया, पता नहीं बार बार मरना क्यों चाहता था। और यूनाइट मेरा पता नहीं इस गेम में कितने बार कैंसिल होगा, वापस कैंसिल हो चुका है। फिर उसके बाद मैं इधर नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, पर इधर ये आ गया था, पर मेरे टीममेट ने आके मेरा किल चोरी कर लिया। फिर इधर मैं अपना गोल करने लगा, इधर पता नहीं मेरा कैरेक्टर एक टाइप का स्टन हो गया, हिल नहीं पा रहा था, वही बेकार चीज़ है इसके इज मूव की, तो पीछे से आके इजीली मार सकता है। तो इधर मैं ऊपर जा रहा था पर ये आ गया था क्लसल, तो उसको मैंने मार दिया। फिर उसके बाद मैं इधर फार्म करने लगा, ऊपर टॉप पे रेजी लेके आया था तो मैंने सोचा मैं टॉप पे जाता हूँ, तो फार्म करके मैं फटफट टॉप पे जाने लगा फास्ट फॉरवर्ड करके। पर उतने में उन लोगों ने रेजी लेके ले लिया, उनकी गाड़ी वॉर ने जिनकी केस टिक ली और सवलरे बंदे मर गए, तो सारे बंदे मर गए थे। तो इधर मैंने दो बंदे थे तो मैंने ये बार उसका यूनाइट को होल्ड किया और पता नहीं कुछ तो हुआ जिससे मेरी थ्री केस टिक हो गई और ये टच हो गया और मैंने गोल भी डाल दिया। तो और फार्म करके मैं और डालना चाहता था पर पता नहीं क्या हो रहा था इस अटैक को, मेरे से एक हैंडल नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था। फिर उसके बाद मैंने अपना 10 का गोल भी डाल दिया था और मेरे टीममेट भी अच्छा खेल रहे थे। पर ये गाड़ी वॉर इस पकवान की एक दिक्कत है कि इस पर स्टन से इसको मारा जा सकता है, गाड़ी वॉर का स्टन इस पर बहुत दिक्कत दे रहा था और मैंने इसको कैसे भी हरा दिया। इधर मैं और फार्म कर रहा था,
तो इधर फार्म करते करते मेरा यूनाइट वापस आ गया था, तो इधर गवाइट आ गया था, तो इस गिवल को हराने के लिए ना यहाँ पर मेरे टीममेट ने इसको पहले ही हरा दिया था। तो फिर उसके बाद ये जो क्लसल था वो क्लसल को मैंने मारने की कोशिश की, वो मर भी गया। फिर उसका फाइनल स्टेज भी होने ही वाला था, तो मेरे टीममेट सारे गोल कर रहे थे, मेरे टीममेट ये बेस को पूरा फोड़ दिए। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम था, इसलिए मैं अपना गोल कलेक्ट कर रहा था। पर इधर एक पोकेमॉन आ गया था उनके टीम का, तो उसको मैं मारने की कोशिश कर रहा था और उसको मैंने मार दिया। पर इधर मैं गोल कलेक्ट करके गोल करने वाला था और मेरे टीममेट उसको मेल्ट कर रहे थे सेंटर को, उनको नहीं करना चाहिए था पर तो भी कर रहे थे। मैंने इसे स्टील करने का कोशिश किया, स्टील तो हुआ नहीं, फिर भी मैं आगे जा रहा हूँ अपना गोल डालने के लिए। फिर उसके बाद मेरे सारे टीममेट का ज़्यादा का गोल और मेरे पास कम का है, इसलिए मैं थोड़ा गोल कलेक्ट कर रहा था और मेरे टीममेट अच्छा खेल रहे थे और उनकी टीम भी गोल कर रही थी। तो मैं गोल करने के लिए इधर ये एप्सल आ गया, वो एप्सल को मैंने मारने के लिए अपना मुंह चला, वो मर ही गया। तो मैंने अपना गोल किया, फिर कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। तो फिर उसका ये आ गया गार्चम, तो फिर उसका गार्चम ने मेरे ऊपर यूनिट चला दी, सिंथिया ने मेरे ऊपर यूनिट चलाई, तो भी मैंने दो पकवान को हरा दिया। फिर उसके बाद ये तीन पकवान आ गए थे, चार पकवान आ गए थे, और ये लास्ट इधर लास्ट में ये चार के चार बंदे को मेरे गैंगार ने इतने सारे चोरी कर लिए थे। तो इधर मैं गोल्ड डालने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने इधर गोल्ड डाल दिए थे। और इधर ऑफकोर्स हम लोग ही जीतने वाले हैं, और वो भी हमारे 24 किल है। तो अभी हम लोग अपना डैमेज देखते हैं, मेरा डैमेज पूरा 1 लाख के ऊपर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में तो मैं कौन सा दूसरा गेम प्ले खेलूँ। तब तक के लिए बाय।